हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T1X एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्वाइप लॉक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। और इस स्वाइप लॉक रिमूव होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब सिक्योरिटी के इस पेज में आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक, स्क्रीन लॉक पे सिलेक्ट करना है। अब आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्वाइप करंट स्क्रीन लॉक, यहाँ पे मेरा स्वाइप लॉक पहले से सेट है। अब स्वाइप लॉक को रिमूव करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे ऊपर ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको नोन का, नोन पे सिलेक्ट करना है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन लॉक के नीचे यहाँ पे नोन लिखा हुआ आ जाएगा इस तरीके से, यानी कि आपका स्वाइप लॉक रिमूव हो जाएगा ईजिली आपके फोन से, ठीक है। अब ये स्वाइप लॉक जो है ना रिमूव होने के बाद आपके मोबाइल फोन की सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑफ करते हैं, फिर इसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करेंगे, तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो लास्ट पेज होगा ना वो आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इस बीच में आपको कोई भी स्वाइप लॉक लगा हुआ दिखाई नहीं देगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। तो ये सेटिंग जो है ना स्वाइप लॉक के रिमूव होने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग इस तरीके से काम करेगी। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्क्रीन लॉक। स्क्रीन लॉक आप यहाँ पर टाइप कीजिए तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये स्क्रीन लॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये नीचे की साइड ऑप्शन शो हो जाता है ना, आपको इसे सेलेक्ट करना है और ध्यान रखिए स्क्रीन लॉक का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग सिक्योरिटी लिखा होगा, ठीक है। तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए, इससे क्या होता है आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का।